यूनिवर्सिटी ऑफ वुल्वरहैम्प्टन, यूनिवर्सिटी ऑफ वुल्वरहैम्प्टन, इसकी जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है, अंडर ग्रेजुएट के ऊपर आपका इंटरमीडिएट प्लस फाउंडेशन ईयर आपने किया हुआ हो, या अंडर ग्रेजुएट में डायरेक्ट एंट्री के लिए आपके पास 2 years का BA, BCom की आपने डिग्री कंप्लीट की हुई हो, डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट जो हैं वो एलिजिबल नहीं हैं। तो और इसके अलावा आपने मिनिमम अपने सेकेंडरी स्कूल में, अच्छा कुछ प्रोग्राम्स हैं जैसे साइंसिस के प्रोग्राम्स हैं, अदर प्रोग्राम में उसमें ये डायरेक्ट एंट्री देती भी है, बट आपको क्या करना होता है, कोई मिनिमम 75% आपको रिक्वायर्ड होते हैं ओवरऑल, 80 आपका ओवरऑल जो अचीव किया वो इंटरमीडिएट, या तो वो 80 हो और अबव हो देन यू आर एलिजिबल। साइंसिस के अगर आप स्टूडेंट हो 75% आपके पास ऑन एवरेज मेजर में स्ट्रीम होना चाहिए, 75% या मिनिमम ऑल रेलेवेंट सब्जेक्ट में आपके पास 70% होगा तो होगा, तो समझेंगे 80% हो और ऑन एवरेज 70-75% इन मेजर सब्जेक्ट हो देन यू आर एलिजिबल। अदरवाइज यूनिवर्सिटी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को नहीं लेती, आपने BA, BCom, BSc किया होगा देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द डायरेक्ट एंट्री। अच्छा ए लेवल्स में जो है आपके AB, BBB, CCC या BCD भी अगर आपके पास ग्रेड्स हैं, यू आर एलिजिबल, हायर द ग्रेड बेटर द चांस टू चूज एनी गुड प्रोग्राम्स। अगर इंटरनेशनल बैकलेट की बात करूँ IB में 27 points रिक्वायर्ड है। पोस्ट ग्रेड की अगर बात करें तो कंपटीशन ऑफ 3 years अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्लस 1 year का मास्टर्स अगर आपने किया हुआ विथ परसेंटेज ऑफ 50%, या अगर आपका 4 years की डिग्री प्रोग्राम है तो 50% 2.5 या 55% डिपेंड करेगा सब्जेक्ट में, अगर इंजीनियरिंग है तो 50% भी, अगर साइंसिस की डिग्री आपने की तो 55% भी अगर आपके पास है यू विल बी एलिजिबल, 2.5-2.7 तक का CGPA बनता है, अदरवाइज से लेस वाले आर नॉट एलिजिबल। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की अगर बात करूँ तो IELTS 6.5 होना चाहिए विद नो less than 5.5 in each component. TOEFL की अगर बात करूँ तो ओवरऑल 80 मांगा हुआ, मिनिमम 20 इन ईच सब स्कोर। ये तो थे अंडर ग्रेड के लिए। पोस्ट ग्रेड में जो इनकी IELTS की रिक्वायरमेंट है 6.5 विद नो लेस देन 6.0 इन ईच कम्पोनेंट, TOEFL 88 विद मिनिमम 21 इन ईच सब स्कोर आपका होना बहुत जरूरी है टू गेट द एडमिशन। ट्यूशन फीस पे अगर नजर डालें तो आर्ट्स की जो डिग्री है, अच्छा इसमें भी ना फीसें सेम ही है, आर्ट्स बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री कर लें, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर हैं, बिजनेस की डिग्रियाँ हैं, इंजीनियरिंग है, फी विल रिमेन 13,450 pounds पर एनम पर। एजुकेशन भी ऑफर करती है ये, बैचलर्स में हेल्थ साइंसिस के हैं, बैचलर्स ऑफ लॉ है, नर्सिंग है, फिजियोथेरेपी है, साइकोलॉजी के प्रोग्राम है, इवन जो साइंसिस की डिग्री है, लेकिन साइकोलॉजी तक के जितने भी प्रोग्राम्स हैं 13,450 में ऑफर होते हैं, लेकिन साइंसिस की जो डिग्री है उसमें थोड़ी सी वेरिएशन रहती है, लेकिन 13,450 तक मैक्सिमम आपको फीसें मिल जाती हैं साइंसिस की डिग्री, यू कैन चूज एनी प्रोग्राम। पोस्ट ग्रेड की अगर बात करें तो आर्ट्स की डिग्री 13,950 में है, आर्किटेक्चर 12,950 में, बिजनेस 13,950 से लेकर 16,000 pounds के इन बिटवीन मिलता है, डिपेंड करेगा मेजर्स के ऊपर। सेम इंजीनियरिंग के साथ है 13,950 से लेकर 14,950 के इन बिटवीन में आपको इंजीनियरिंग के मेजर मिलते हैं। एजुकेशन 13,950 में, हेल्थ साइंसिस के प्रोग्राम 14,450, लॉ 13,950 से लेकर 14,950 के बीच में है। सेम साइंसिस की डिग्री के अंदर भी यही है, 13,950 pounds की वेरिएशन है। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का प्रोग्राम जो है मास्टर इंजीनियरिंग में 14,950 pounds में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फीस भी सेम है, अब आप जो है 14,950, डेटा साइंस 14,450, MBA भी सेम फीस में, फिर आप मास्टर साइकोलॉजी ले लें, फिजियोथेरेपी ले लें या पब्लिक हेल्थ ले लें, ये तमाम तरह प्रोग्राम 14,450 के इन बिटवीन मिल जाते हैं। बात करते हैं इसकी स्कॉलरशिप के ऊपर, दे डू ऑफर स्कॉलरशिप टू इंटरनेशनल स्टूडेंट। सबसे पहले जो इनकी स्कॉलरशिप है दिस इज कॉल्ड लॉर्ड पॉल अंडर ग्रेजुएट एक्सीलेंसी स्कॉलरशिप। ये एक एक्सीलेंसी स्कॉलरशिप है जो वुल्वरहैम्प्टन स्टूडेंट्स को ऑफर करती है, ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, एक्सीलेंसी तो डेफिनेटली आपके ग्रेड्स बड़े मैटर कर रहे होते हैं, इसमें जो जो अवार्ड का वैल्यू है वो 1,000 pounds तक का है। अच्छा इसको मैक्सिमम अगर आपको ले जा सकते हैं, लाइक अगर आप समझेंगे अगर आपके पास ए लेवल्स में BBB और उससे अबव है तो आप 1,500 pounds तक भी इसको ले जा सकते हैं। ग्रेड्स पे बेसिकली वो मैटर कर रहे थे, ऑफर एक्सेप्ट कर लिया 1,000 pounds है, BBB ही ए लेवल्स में तो 1,500 pounds है, अगर आपके पास AB ए लेवल्स में आपको 2,000 pounds तक का भी स्कॉलरशिप मिल जाता है। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, वहाँ पर मैंने इन तमाम ग्रेडिंग सिस्टम को भी मैंशन किया, किस ग्रेड पर कितना परसेंट अमाउंट आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी मैंने वहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जो सेकंड स्कॉलरशिप है दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल एकेडमिक स्कॉलरशिप, इसका जो वैल्यू ऑफ अवार्ड है वो 2,000 pounds तक का है। अच्छा ये ऑल 3 year अंडर ग्रेजुएट डिग्री के ऊपर आपको अवेलेबल होता है, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, इस पर मैंने इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है कि ऑल सक्सेसफुल स्टूडेंट्स जो कंप्लीट कर लेते हैं अपने प्री सेशन प्रोग्राम या एक्सेप्टेंस आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं 3 years बेसिस डिग्री के अंदर उनको मिलती है। तमाम तरह डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट पर studyabroadupdates.com वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं हाउ यू कैन अवेल दिस 2,000 pounds स्कॉलरशिप डिस्काउंट।